सो दोस्तों, क्या लगा कि कहानी खत्म हो गई है? दरवाजे तो बंद होते हैं कि एक दिन वो खुल सके। और दोस्तों, इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे फिर से एक बार कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं रूह बाबा के रूप में। हम सभी ने भूल भुलैया 2 में देखा था। अब दोस्तों, उनके एक नए फीचर भी ऐड हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले वो आत्माओं से बात करते थे, अब तो दोस्तों आत्माएं उनके अंदर ही आती है। सो फाइनली दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल रवि चौधरी तेरी मेरी बातें, और आप देख रहे तेरी मेरी बातें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, करूंगा बड़े खुल्ला से। भूल भुलैया 3 का टीजर अनाउंसमेंट रिलीज हो चुका है। 2024 के दिवाली पर यह फिल्म रिलीज की जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है अनीस बज्मी, जिन्होंने भूल भुलैया जो 2007 में आई थी अक्षय कुमार के साथ, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 तीनों ही डायरेक्ट की है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भूषण कुमार यानी कि टी सीरीज ग्रुप है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार का कैमियो भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों, ये सीरीज जो स्टार्ट की थी अक्षय कुमार ने की थी, बट इस भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के साथ एक छोटा सा रोल, कैमियो रोल जिसे कह सकते हैं, अक्षय कुमार नजर आएंगे। फिल्म का बजट दोस्तों 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। आपको बता दूं, भूल भुलैया 2 जब रिलीज हुई थी दोस्तों, इस फिल्म ने 2022 की क्या शुरुआत की थी, बंपर कमाई की थी। और 2022 की जब बॉलीवुड की हालत खराब थी दोस्तों, यही फिल्म ने बॉलीवुड की इज्जत बचाई थी। और कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने लगभग 65 से 70 करोड़ की लागत की, यह फिल्म लगभग आपको बता दूं 300 करोड़ के आसपास तक पहुंची थी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कलेक्शन साबित हुआ था। वहीं दूसरी ओर भूल भुलैया 2 में तब्बू और कृति सैनन नजर आई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरे पार्ट में तब्बू और कृति सैनन के चांसेस कम है, क्योंकि इस बार कुछ नया रोल आएगा, कुछ नई एक्ट्रेस नजर आ सकती है। दोस्तों आपको बता दूं, जब से टीजर का अनाउंसमेंट हुआ है तब से कार्तिक आर्यन के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और उनको तीसरे पार्ट में देखना भी चाह रहे हैं। वहीं दोस्तों, नेटिजन्स लोग ट्रोल कर रहे हैं कार्तिक आर्यन को कि भैया पैसों के लिए क्या क्या करेगा, अब रीमेक पे रीमेक तो बना ही रहा है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजी जो ब्रांड नेम है उसको यूज करके पैसा कमाने के लिए फिल्में ये लोग बना रहे हैं। और दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया नाम का फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अक्षय कुमार ही सही था, हम तो तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार को देखना चाहते हैं, अब ये कार्तिक आर्यन की जो शहजादा थी वो तो पिट गई है, अब कार्तिक आर्यन नाम का फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों यूं कह रहे हैं कि भैया ये फिल्म जो है भूल भुलैया 3 वो सुपर डुपर हिट होगी और दूसरे पार्ट से भी बेहतर बनेगी, उसके VFX अच्छे होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि कार्तिक आर्यन की एक फिल्म और भी शूटिंग चल रही है उसकी, जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा, जिसमें कियारा आडवाणी नजर आएंगी। तो दोस्तों आपके क्या विचार, ये फिल्म 2024 को आएगी दिवाली के टाइम पे, देखना होगा कि दोस्तों ये फिल्म क्या वाकई में जैसे 2022 में बॉलीवुड की इज्जत बचाई थी इस फिल्म ने, बंपर कमाई की थी, क्या 2024 में भी ये फिल्म वैसा ही परफॉर्म करेगी। दोस्तों आपके क्या विचार है, लाइक करो, कमेंट करो, क्या कार्तिक आर्यन की जो हालत सहजादा में हुई है भूल भुलैया में भी हो सकती है, या भूल भुलैया दोस्तों सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी? जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहो यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर।